टू और थ्री के बीच आ रहा है। तो बेटा याद रखना आपको मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बताना जरूरी है, क्लियर। आपने मल्टीपल बॉन्ड का क्या बताना है, पोजीशन। तो उस पोजीशन के लिए एक नंबर लिखेंगे जिसको हम लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पेंट वन इन और इसको हम क्या लिखेंगे, पेंट टू इन। यानी यहाँ पे आपको क्या लिखना है, स्मॉल एन। अब ये स्मॉल एन क्या है बेटा, ये है नंबर ऑफ दैट कार्बन, नंबर ऑफ दैट कार्बन आफ्टर विच मल्टीपल बॉन्ड कम्स। यानी बच्चा ये उस कार्बन का नंबर है, बिल्कुल बच्चा यश मैं आपको बता रही हूँ, दो मिनट पहले सुनिए रूल, नौ ध्यान से सुनना। एन क्या है बेटा, एन उस कार्बन का नंबर है जिसके बाद क्या आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड। जैसे यहाँ पर देखिए किस कार्बन के बाद आ रहा है, वन के बाद, तो हमने इसका नाम क्या लिखा, पेंट वन ई। यहाँ पर देखो किस कार्बन के बाद आ रहा है, टू के बाद, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, पेंट टू ई। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ध्यान से सुनना, तुम इस वन को या तो वर्ड रूट के बिल्कुल बाद लिख सकते हो या वर्ड रूट से जस्ट पहले। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इस कंपाउंड का नाम या तो हम पेंट वन इन लिखेंगे या तुम चाहो तो इस कंपाउंड का नाम वन पेंटीन भी लिख सकते हो, क्लियर। सिमिलरली इस कंपाउंड का नाम पेंट टू इन लिखो या इस कंपाउंड का नाम हम क्या लिख सकते हैं, टू पेंटीन। यानी ये जो एन है बेटा, इस एन को या तो वर्ड रूट के जस्ट बाद लिखना है या वर्ड रूट से जस्ट पहले, क्लियर। अब जो यश तुम्हारा क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, रूल नंबर टू। ये था रूल नंबर वन कि नेम हम कैसे लिखेंगे, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, दैट इज एल्क प्लस एनी एनी और एल्क प्लस एन वाई एन ई, क्लियर। नाउ एन आपका क्या रहेगा, नंबर ऑफ दैट कार्बन जिसके बाद क्या आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड। अब रूल नंबर टू, नंबरिंग इज डन, इन सच अ वे दैट मल्टीपल बॉन्ड गेट्स लोएस्ट पोजिशन। यानी नंबरिंग आपने इस तरह से करना है बच्चा कि मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिले, लोएस्ट पोजिशन। यश तुम्हारा आंसर यहां पर आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपको ये कंपाउंड दिया जाए या आपको ये कंपाउंड दिया जाए, क्लियर। अब इस कंपाउंड में पहला रूल वही, नंबरिंग दोनों साइड से करके चेक करोगे, ध्यान से देखना। जब हमने ब्लू वाली नंबरिंग करा, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन किस कार्बन के बाद आ रहा है, थ्री वन, और अगर यही नंबरिंग हम कहां से करें, राइट हैंड साइड से, तो देखिए मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन किस कार्बन के बाद आ रहा है, फोर के बाद, तो थ्री और फोर कौन सा सही होगा, थ्री। रीजन, नंबरिंग इस तरह से करना है कि मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिले, लोएस्ट पोजिशन, दैट्स गुड वंश, आंसर सही है। तो या तो इस कंपाउंड का नाम हम क्या लिखेंगे, हेप्ट थ्री इन, या आप इसका नाम क्या लिख सकते हो, थ्री हेप्टीन। दोनों नाम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। सेम चीज अगर हम यहाँ बात करें, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं बच्चा, तो देखो मल्टीपल बॉन्ड का पोजिशन नंबर सिक्स, और अगर यही नंबरिंग हम कहां से करते हैं, राइट हैंड साइड से, तो देखिए मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन कहां पे आ रहा है, नंबर टू, तो कौन सा सही होगा, नंबर टू, क्लियर। यानी मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट पोजीशन। आठ कार्बन की चेन ऑप्ट नंबर टू पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, और चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे, आइन। तो या तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, ऑक्ट टू आइन, या इस कंपाउंड का नाम हम क्या लिखेंगे, टू ऑक्टाइन। आया समझ में बेटा सबको, यस और नो? तो बेटा दो रूल्स रहेंगे, रूल नंबर वन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सॉरी रूल नंबर वन आपका क्या रहेगा, प्राइमरी सफिक्स एंड देन आपका वर्ड रूट लिखना है एल्क। रूल नंबर टू रहेगा, नंबरिंग इस तरह से करना है कि मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिले, लोएस्ट पोजिशन, क्लियर। एक सेकेंड बेटा, क्या बोला है बेटा, अगर डबल बॉन्ड है तो हम यूज करेंगे ई एन ई, याद करो बेटा डबल बॉन्ड का प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है, ई एन ई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या यूज करेंगे, वाई एन ई, क्लियर। ओके सुयांश, यहां देखो डबल बॉन्ड है तो हमने क्या यूज करा, ई एन ई, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने क्या यूज करा, वाई एन ई।
क्लियर सूर्यांश? यस और नो बेटा? हाँ बेटा, कोई डाउट? चले आगे। यस और नो? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है बच्चा आपकी तरफ से। चलिए चलिए आगे। नाउ ये था बेटा, हमने किसमें बात करी थी? अनब्रांच। अनब्रांच का मतलब बेटा कहीं पे कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाउ डिफरेंस देखना, पहले कोई ब्रांचिंग नहीं था, अब कंपाउंड में क्या आ जाएगा आपका? ब्रांचिंग। क्लियर? अब कंपाउंड में क्या आ जाएगा? ब्रांचिंग। इसके लिए रूल्स चेंज होंगे, ध्यान से देखना। मैं रूल बाद में लिखवा रही हूँ, पहले मैं एग्जांपल बना रही हूँ, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए आपको ये कंपाउंड दिया जाए और बोला जाए सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सब बच्चा। अगर मान लो ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा लेते? स्ट्रेट। रीजन देखिए, उसमें कितने कार्बन है अगर हम बात करें, देखिए स्ट्रेट कार्बन चेन अगर हम सेलेक्ट करते तो इसमें कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने कार्बन है? 9 कार्बन। क्लियर बेटा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बेटा अभी जब दोनों आएगा तब समझाऊंगी बेटा। क्लियर? पहले हम क्या करेंगे, ब्रांच पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि जब कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। क्लियर दिशांक? चलिए बेटा, नौ नौ कार्बन की चेन है, बिल्कुल सही होता। बट अब मैंने क्या करा बच्चा, इस कंपाउंड में यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। स्टिल ये नौ कार्बन की चेन है, बट एक कार्बन चेन ध्यान से देखिएगा दिस वन। अब रूल थोड़ा सा चेंज होगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड। अब ध्यान से सुनना, आपने वो कार्बन चेन लेना है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड का होना जरूरी है, यानी हम अब ये कार्बन चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते। रीजन, इस कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड नहीं आया, तो रूल नंबर वन चेंज होगा। रूल नंबर वन क्या हो जाएगा अब, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और इसमें हम थोड़ा सा वर्ड क्या करेंगे, इंक्लूडिंग, या इस तरह से लिखो कंटेन मल्टीपल बॉन्ड। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, याद रखना इट इंक्लूड्स बोथ द कार्बन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, यानी उस कार्बन चेन में दोनों कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के आना जरूरी है। आया समझ में? तो अब ये कार्बन चेन आपका क्या होगा? गलत। चले फॉर एग्जाम्पल अगेन ध्यान से देखिएगा, अगर आपको ये कंपाउंड दिया जाए, ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा क्या हम इसमें ये स्ट्रेट कार्बन चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेटा याद रखना मैंने आपको लास्ट टर्न पे भी बताया था सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा सेलेक्शन। तो बेटा ध्यान से देखना, इस कार्बन चेन को हम सेलेक्ट इसलिए नहीं कर सकते हैं, रीजन मैंने क्या पॉइंट लिखा है, इट इंक्लूड्स बोथ द कार्बन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, जबकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड का सिर्फ कितना कार्बन यूज हुआ है या इंक्लूड हुआ है, एक। दैट्स व्हाई याद रखना बेटा आपने वो कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड के दोनों कार्बन होना जरूरी है। तो ये इसके लिए किसका काम करेगा? पेरेंट कार्बन चेन। आया समझ में? ये इसके लिए किसका काम करेगा? पेरेंट कार्बन चेन। और ये कार्बन जो मेन कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हुए हैं, इसको हमने लास्ट टाइम पर क्या नाम दिया था? सब्स्टिट्यूएंट। आया समझ में? यस और नो? चलिए रूल नंबर वन लिख लीजिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, और उसमें याद रखना मल्टीपल बॉन्ड के दोनों कार्बन आपका होना जरूरी है। बेटा देशांक याद रखना, यही तो अब रूल चेंज हो रहा है कि सबसे पहले अब आपका चूंकि मल्टीपल बॉन्ड आ गया, तो अब मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हुए आपने क्या बनाना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्लियर? आगे जब मैं फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगी बेटा
उसमें और चेंज होगा कि हमने वो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा जरूरी। तो यही अब आपने डे बाय डे एक एक दो दो पॉइंट्स रोज नए सीखने। क्लियर दिशांक? क्लियर? ये एग्जाम्पल नंबर वन था, ये एग्जाम्पल नंबर टू, ये कार्बन चेन हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। हुआ बेटा सबका? क्लियर? चलिए रूल नंबर टू, वो ही चीज जो मैंने अभी आपको बताया। नंबरिंग इज डन इन सच ए वे that multiple bond gets priority clear या इस तरह से लिखो, इस तरह से मत लिखो, उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। मल्टीपल बॉन्ड गेट्स लोएस्ट पोजिशन, द बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा। क्लियर? यानी नंबरिंग इस तरह से करनी है कि मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिले, लोएस्ट पोजीशन। ध्यान से देखना बच्चा, लास्ट टर्म पे मैंने जैसे तुम्हें पढ़ाया था, अगर हमारे पास सिर्फ ये होता तो हम नंबरिंग कहाँ से करते, लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है, लोएस्ट पोजीशन। पर ध्यान से देखना, अब अगर मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, नंबरिंग ध्यान से सुनना, अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा तो मल्टीपल बॉन्ड को पोजिशन कौन सा मिल रहा है, टू, और सब्स्टिट्यूएंट को पोजिशन कौन सा मिल रहा है, फाइव एंड सिक्स। क्लियर? अगर मैं नंबरिंग राइट हैंड साइड से करूं तो ध्यान से देखना, मल्टीपल बॉन्ड को पोजीशन कौन सा मिल रहा है, फाइव, एंड सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन कौन सा मिल रहा है, टू एंड थ्री। ध्यान से सुनना, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट किसको प्रायोरिटी मिलेगा, मल्टीपल बॉन्ड को। यानी अब हमने नंबरिंग इस तरह से करना है कि मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजिशन मिले, फिर चाहे सब्स्टिट्यूएंट को हाई पोजीशन क्यों ना मिल जाए। क्लियर? दैट्स व्हाई इसमें नंबरिंग कौन सा सही होगा, ब्लू वाला। रीजन, मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट पोजीशन। आया समझ में सबको? तो रूल नंबर टू रहेगा कि हम मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट किसको प्रायोरिटी देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को। क्लियर? चलिए रूल नंबर थ्री, अब हमने नेम लिखना है, तो नेम कैसे लिखोगे बेटा, वही पहला हम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन उसके बाद वर्ड रूट, और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम कौन सा वर्ड लगाते हैं, एल्काइल, प्लस वर्ड रूट के लिए क्या लगाओगे, एल्क, और प्राइमरी सफिक्स अभी आपको बताया, या अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, ईएनई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, वाईएनई। तो इस कंपाउंड का पूरा नाम क्या बन जाएगा, एल्क, एल्काइल एल्क प्लस एनईएनई या एनवाईएनई। आया समझ में, यस और नो? चलिए फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया जाए ये कंपाउंड, सेम चीज, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे कि मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिले, लोएस्ट पोजीशन। फाइव पर एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, एक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या वर्ड लिख रहे थे हम, मिथाइल। तो चलिए नाम क्या लिखोगे इस कंपाउंड का, फाइव मिथाइल, सात कार्बन की चेन, हेप्ट थ्री आइन। क्या नाम लिखोगे, फाइव मिथाइल हेप्ट थ्री आइन। आया समझ में सबको? क्लियर? चलिए फॉर एग्जांपल आपको ये दिया जाए, नाउ अगेन रूल नंबर वन याद रखना बच्चा, वहां से कार्बन चेन लेना है जहां पे मल्टीपल बॉन्ड का होना जरूरी है। यानी सीधा सा बेटा, आप ये वाले तीन कार्बन उस कार्बन चेन में आना जरूरी है। क्लियर? अब उसके बाद अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितने कार्बन की चेन बनी, सेवन। और यही अगर हम कहाँ पे जाते हैं, राइट हैंड साइड, अब देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, कितने कार्बन की चेन बन रही, एट। दैट्स व्हाई हम कहां पे जाएंगे, राइट हैंड साइड। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं बेटा, राइट हैंड साइड से, तो ऑब्वियसली मल्टीपल बॉन्ड को पोजीशन लास्ट में मिलेगा, दैट्स व्हाई नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट कीजिए। क्लियर? नाउ बेटा फोर पर एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम क्या होगा, प्रोपाइल, और सेवन पर क्या है, मिथाइल, दैट्स गुड वंश।
नाउ आपको लास्ट टाइम पे मैं लिखवा चुकी हूँ कि जब भी दो सब्स्टिट्यूएंट होंगे लिखना किस ऑर्डर में है, अल्फाबेटिकल। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, मिथाइल या प्रोपाइल? मिथाइल। तो नाम क्या होगा, 7-methyl, 4-propyl, 8 carbon की चेन, Opt 2E। आया समझ में सबको, यस और नो, क्लियर? चलिए बेटा, तो ये रहेगा रूल नंबर 3। तो चलिए, फॉर एग्जांपल अगर इसका नाम करना है बेटा, तो ये नंबरिंग गलत हो गया। नाम क्या लिखोगे, 5-methyl, 6-methyl, 7 carbon की चेन, Opt 2I। आया समझ में बेटा सबको, क्लियर? नोट कर लिया सबने? सॉरी बेटा, माय मिस्टेक। 7 carbon की चेन, वी विल राइट हेप्ट। क्लियर? नोट कर लिया सबने? चले आगे, क्लियर? चलिए रूल नंबर 4। इफ कंपाउंड कंटेन्स टू और मोर देन टू मल्टीपल बॉन्ड, ये काम करते हैं। पहले हम सिर्फ दो की बात करते हैं, टू से ज्यादा में हम नेक्स्ट में बात करेंगे, क्लियर? चलिए फिर वन बाय वन सीखते हैं। इफ कंपाउंड कंटेन्स टू मल्टीपल बॉन्ड, बट दोनों मल्टीपल बॉन्ड अभी हम सेम रख रहे हैं, क्लियर? देन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ध्यान से सुनना मेरी बात, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग बोथ द मल्टीपल बॉन्ड, कंटेनिंग बोथ द मल्टीपल बॉन्ड, चाहे फिर वो उस कार्बन चेन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस रूल को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये कंपाउंड दिया जाए और बोला जाए इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, तो याद रखना हम स्ट्रेट कार्बन चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। रीजन, इसमें दोनों मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहा है। तो ध्यान से सुनना, जब दो मल्टीपल बॉन्ड है तो रूल रहेगा दोनों को लेते हुए क्या बनाओगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आया समझ में? तो ये चीज हमेशा याद रखना कि दोनों को लेते हुए आपने क्या बनाना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, क्लियर? फिर वही चीज नंबरिंग की बात करें अगर, तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिले, लोएस्ट पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया जाए ये वाला, और एक ये वाला, क्लियर? अगर हम बात करें बेटा, तो ऑब्वियसली अब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये वाली कार्बन चेन हमारे लिए क्या रहेगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, क्लियर? अब बात किसकी रहेगी, नंबरिंग। तो बेटा अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं, तो ध्यान से देखना मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ पे आ रहा है, टू पर। और अगर यही नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे वाले कार्बन से, तो देखो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ पे आ रहा है, वन। तो पहले रूल क्या था, मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट पोजीशन, क्लियर? तो ये हमेशा याद रखना, सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड, पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगा, मल्टीपल बॉन्ड, बस बाकी सब काम तो तुम जो कर रहे थे वो ही रहेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या रहेगा आपका, फोर पर कितने कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, 4 carbon, और 4 carbon के लिए सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम कौन सा वर्ड लगा रहे थे, ब्यूटाइल। 5 पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल। लिखना किस ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखोगे, 4-butyl, 5-methyl, कितने कार्बन की चेन, 7 है। अब जिस के बाद आ रहा है वही चीज मेरा याद है, 2 methyl आ रहे थे तो हम क्या लिख रहे थे, 2-methyl, 3 methyl आ रहे थे तो हम क्या लिख रहे थे, 3-methyl। तो सेम चीज, 2 double bond आ गया बेटा, तो हम 1-in, 5-in नहीं लिखेंगे, दोनों को क्लब कर एक साथ लिखोगे, तो नाम क्या होगा आपका, 1-5-di-in। आया समझ में, यस और नो? तो 1-in, 5-in नहीं लिखकर हम क्या लिखेंगे, 1-5-di-in,
कोई डाउट रूल नंबर फोर में? यस और नो? चलिए लिख रहे हो बेटा आप साथ साथ में। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर फाइव, इसमें मैं फिर आऊंगी बेटा एक सेकंड के लिए, क्लियर? इसलिए हम इस रूल पे हम फिर आएंगे, क्लियर? रूल नंबर फाइव ध्यान से सुनना। इफ पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज सेम फ्रॉम बोथ साइड, देन नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? मैंने क्या पॉइंट लिखा है कि अगर दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ जाए, सेम, देन हम प्रायोरिटी किसको देंगे? सब्स्टिट्यूएंट को। किसको प्रायोरिटी दोगे? सब्स्टिट्यूएंट को। ध्यान से देखना, फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड है, क्लियर? अब इस कंपाउंड में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करें, ध्यान से देखना, मल्टीपल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिली? थ्री, एंड सब्स्टिट्यूएंट को कौन सी पोजीशन मिली? फाइव। क्लियर? यही चीज अगर मान लीजिए हम कहां से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से, तो ध्यान से देखना, राइट हैंड साइड से भी मल्टीपल बॉन्ड को पोजिशन कौन सा मिल रहा है? टू, बट सब्स्टिट्यूएंट को पोजिशन कौन सा मिला? टू, सॉरी, मल्टीपल बॉन्ड का पोजिशन थ्री और सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन टू। ध्यान से देखिएगा, दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो गया? सेम, देन प्रायोरिटी गोज टू सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा नंबरिंग सही होगा? रेड वाला। बट ये याद रखना, ये बात हम तब करेंगे जब इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनना, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज सेम फ्रॉम बोथ साइड, क्लियर? तब हम प्रायोरिटी किसको देंगे? सब्स्टिट्यूएंट को। नाउ तो इस कंपाउंड का नाम हम क्या लिखेंगे? टू मिथाइल, सात कार्बन की चेन, हेप्ट 3E। आया समझ में सबको? हाँ बेटा वंश, क्या हुआ बोलो बेटा। ओके बेटा, सॉरी, ये छोटी छोटी गलती चलती रहेगी बेटा। फाइव के बाद सेवन आना, तो यहाँ पे हेप्ट नहीं हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? हेक्स। क्लियर? चलिए दिशांश, यश, यश, वंश, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट रूल नंबर सिक्स ध्यान से सुनना। चलिए पहले एक एग्जांपल और बता देती हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से समझ में आए। क्लियर? वही चीज सिंपल है, कोई नया काम नहीं कर रही हूँ, बस एक चीज बताना इसलिए लिख रही हूँ। चलिए नाम क्या लिखोगे? टू मिथाइल हेक्स 3-ion। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर फाइव ध्यान से देखिएगा, या रूल नंबर सिक्स। नाउ ये रूल नंबर सिक्स बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इफ प्राइमरी सफिक्स is not started with vowel, vowels आपको पता है a e o i o u, then we add a in the end of word root, clear? Now ये आपका क्या है बच्चा, कि अगर आपका primary suffix vowel से start नहीं हो रहा है, देन हम वर्ड रूट के एंड में कौन सा वर्ड लगाएंगे? ए। ध्यान से सुनना कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये दिया जाए, दो डबल बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, पांच कार्बन की चेन, क्या लिखोगे? पेंट 1-3-diene। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें
तो हमारा सफिक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, डी से, और डी एक वॉवल नहीं है, दैट्स व्हाई हम वर्ड रूट के एंड में कौन सा वर्ड लगाएंगे, ए। तो इस कंपाउंड का नाम पेंट वन थ्री डाई नहीं होकर क्या नाम होगा, पेंटा वन थ्री डाई। आया समझ में, क्लियर? चलिए फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, फिर ना बेटा अगर हम यहाँ बात करें, क्लियर, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने कार्बन की चेन बन रही है, 9। तो क्या लिखोगे, 9 कहाँ कहाँ पर है, 2 4 6 तीन है, तो क्या लिखोगे, ट्राई आई। और सेम चीज, चूंकि आपका जो सफिक्स है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, टी से, दैट्स वाई इसमें हम क्या लिखेंगे, नौना। आया समझ में, यस और नो? अब ध्यान से सुनना, एक्सेप्ट एल्काइन, ये चीज एल्काइन में नहीं लगेगा। ध्यान से देखो, मैं एक बार फिर ऊपर आ रही हूँ सारे एग्जांपल। नाउ ध्यान से देखना, यहां अगर हम बात करें तो देखो हमारा जो सफिक्स था वो किससे स्टार्ट हो रहा था, ई से, और ई एक वॉवल है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर हेक्सा नहीं लगाकर सिर्फ क्या लिखा, हेक्स। एल्काइन में भी तो बेटा वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, बट ध्यान से सुनना ये रूल सिर्फ एल्काइन में नहीं लगेगा, क्लियर? इसके अलावा कहीं पर भी अगर आपका सफिक्स वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप वर्ड रूट के एंड में कौन सा वर्ड लगाओगे, ए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, मैंने कहा था मैं फिर आऊंगी इस क्वेश्चन पर। नाउ ध्यान से देखो, यहाँ पर सफिक्स आपका वॉवल से स्टार्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम हैप नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, हैप्टा। आया समझ में? तो लास्ट रूल बेटा, अगर आपका सफिक्स वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो वर्ड रूट के एंड में आपने कौन सा वर्ड लगाना है, एक्सेप्ट एल्काइन। अब बच्चा बोलता है मैडम ये भी तो एल्काइन है, तो याद रखना बेटा इट इज नॉट एल्काइन, इट इज ट्राई एल्काइन। एल्काइन का मतलब कंपाउंड में सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, अगर दो डबल बॉन्ड दो ट्रिपल बॉन्ड भी आ गए, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, अगर कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड भी आ गए तो भी ये रूल लगेगा, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये दिया जाए, क्लियर ना, वही नंबरिंग इस तरह से करना है कि मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिले, लोएस्ट पोजीशन। अगर हम इधर से करते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन 2 आएगा, और इधर से करोगे तो 1 5 6 7 8, क्लियर? नाउ हमारा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आ रहा है, 5 पर, तो नाम क्या लिखोगे, 5-ethyl। नाउ कितने कार्बन की चेन, 8, ऑक्ट 1 6 डाई आइन। अगेन ध्यान से देखिएगा बेटा, आपका डी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर क्या वर्ड लगाएंगे, ऑक्टा। सिर्फ एल्काइन मतलब एल्काइन, दो हो गया तो भी रूल लगाओगे, तीन हो गया तो भी लगाओगे, लेकिन अगर सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर हेक्सा नहीं लिखोगे, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखोगे, एक्स। आया समझ में सबको? चलिए मैं फटाफट एक बार रिवाइज करा देती हूँ। रूल नंबर 1 क्या रहेगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग बोथ द कार्बन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। रूल नंबर 2, नंबरिंग इस तरह से करना है कि मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिले, लोएस्ट पोजीशन, यानी मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट प्रायोरिटी किसको मिलेगा, मल्टीपल बॉन्ड। रूल नंबर 3, नेमिंग वो ही बेटा, पहले प्रीफिक्स फिर सब्स्टिट्यूएंट और फिर वही, क्लियर? नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर दो मल्टीपल बॉन्ड है तो दोनों को लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाओगे, हाँ देशांग में आ रही हूँ लास्ट एग्जाम्पल में। उसके बाद अगर मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन सेम है देन प्रायोरिटी गोज टू सब्स्टिट्यूएंट। और लास्ट पॉइंट, अगर आपका सफिक्स वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो वर्ड रूट के एंड में क्या लगाओगे, ए। हाँ देशांग, लास्ट में तुम बोल रहे हो कि नंबरिंग उल्टी होनी चाहिए, चलिए ठीक है बेटा। अगर हम बात करें, मैं इसी कंपाउंड को फिर बना देती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आसानी से आएगा। चलिए बेटा, मैं इसी कंपाउंड को फिर बता देती हूँ ताकि तुम्हें आराम से समझ में आएगा। चलिए बेटा, अगर तुम बोल रहे हो कि इस कंपाउंड का नंबरिंग अपोजिट होना चाहिए, आ गया बेटा? चल, और चलिए जिसको नहीं आया वो मैं बता देती हूँ एक बार फिर, चलो बना तो दिए। अगर हम ये नंबरिंग करते हैं बेटा, तो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ रहा है, 2 और 7, और ऊपर और क्या आ रहा था, 1 और 6, तो पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगा, मल्टीपल बॉन्ड। आया समझ में, दैट्स व्हाई ये नंबरिंग आपका क्या हो जाएगा, गलत। कोई डाउट किसी को, क्लियर?
लिख लिया बेटा सबने? वंश, यश, दिशांक सबने लिख लिया बेटा? प्रियांशी, चलिए ना बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग बोथ मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। यानी अब हम बात कर रहे हैं बच्चा कि हम उस कंपाउंड की बात करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, जिसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। रूल नंबर वन, अगर हम बात करेंगे तो वही हमारा पहला प्राइमरी सफिक्स, सॉरी सेकंड, पहला वही हमारा वर्ड रूट और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, प्राइमरी सफिक्स में चूंकि डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो हमारे पास इन भी है और आइन भी है। तो बेटा लिखने का वो ही, हम लिखते हैं हमेशा किस ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल। तो बेटा वो ही लिखोगे, एल प्लस एनी एनी एंड एन वाई एनी। यानी पहले हम किसकी प्रायोरिटी लिखेंगे? डबल बॉन्ड के लिए और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। रीजन, लिखना हमेशा हमने किस ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल। दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दो प्राइमरी सफिक्स आ गए तो भी हम किसकी बात करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर? अब ध्यान से सुनना रूल नंबर टू, ना बच्चा अब हमारे पास कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो ध्यान से सुनना, रूल नंबर वन नेमिंग लिख दिया, रूल नंबर टू नंबरिंग इस तरह से करना है कि मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिले, फिर चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हम लिखेंगे नंबरिंग इज डन इन सच अ वे that multiple bond gets lowest position whether it is double bond or triple bond। इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनना, नंबरिंग इस तरह से करना है कि मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिले? लोएस्ट पोजीशन, फिर चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस कंपाउंड में नंबरिंग करूं लेफ्ट हैंड साइड से, ध्यान से देखना बच्चा, मल्टीपल बॉन्ड का पोजिशन कौन सा आ रहा है? टू एंड फाइव। और अगर यही नंबरिंग मैं राइट हैंड साइड से करूं, देन मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन आ रहा है थ्री और सिक्स। कौन सा नंबरिंग सही होगा? टू और फाइव। रीजन, टू और थ्री पहले कौन आएगा? टू। सिमिलरली मैं अगर नेक्स्ट एग्जांपल में बात करूं, अगर मान लीजिए मैंने राइट हैंड साइड से नंबरिंग करा, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन आया टू एंड फाइव, और अगर यही नंबरिंग मैं लेफ्ट हैंड साइड से करूं, देन मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन आ रहा है फोर और सेवन। कौन सा सही होगा? टू और फाइव। तो याद रखना बच्चा, पहला पॉइंट आपका क्या रहेगा? मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए? लोएस्ट पोजीशन। यानी इस केस में रेड वाला नंबरिंग क्या हो जाएगा? गलत। हमने ये नहीं देखा कि टू पर डबल बॉन्ड था या ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? तो या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वंश, यही समझा रही हूँ मैं बेटा, ध्यान से सुनो बेटा, पांच मिनट वंश, सारे रूल एक बार हो जाएंगे उसके बाद तुम्हारा डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ध्यान से सुनना, पहला रूल है कि मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए? लोएस्ट पोजीशन, फिर चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे कौन सी नंबरिंग आपकी गलत हो जाएगी? ब्लू वन। क्लियर?
अब नाम लिखना है बेटा, तो नाम वो ही पहले किसके लिए लिखोगे, इन, और फिर क्या लिखोगे, आइन। आठ कार्बन की चेन क्या लिखोगे, ऑक्ट, टू इन, फाइव आइन। यानी लिखना हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे नौ कार्बन की चेन पहले डबल बॉन्ड, क्योंकि अल्फाबेटिकल में इन पहले, नॉन, थ्री इन, टू आइन। आया समझ में? इस रूल में किसी को डाउट, रूल नंबर वन एंड रूल नंबर टू में, फिर ध्यान से सुनना, लिखना पहले डबल बॉन्ड को है फिर ट्रिपल बॉन्ड को, क्योंकि लिखते समय हमेशा हम किसकी बात करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रूल नंबर टू, नंबरिंग इस तरह से करना है कि मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजिशन मिले, फिर चाहे बच्चा वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में सबको? क्लियर? चलिए रूल नंबर थ्री ध्यान से सुनना। इफ पोजिशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज सेम फ्रॉम बोथ साइड। अब इस रूल को बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्या लिखा है मैंने कि अगर मल्टीपल बॉन्ड का पोजिशन दोनों साइड से क्या है, सेम, देन डबल बॉन्ड गेट्स प्रायोरिटी ओवर ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? डबल बॉन्ड गेट्स प्रायोरिटी ओवर ट्रिपल बॉन्ड। नाउ यानी याद रखना बेटा, पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया, भाई हमने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी क्यों दिया? तो याद रखो बच्चा, जब मैंने तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना सिखाया था, तब बताया था कि अगर दोनों साइड से नंबरिंग एग्जैक्टली सेम होता है तो प्रायोरिटी किसको जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर भी वही चीज, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम साइड से आ गया तो प्रायोरिटी किसको चला जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बात करें तो इन या आइन पहले कौन आ रहा है, इन, दैट्स व्हाई डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगा ओवर ट्रिपल बॉन्ड। बट ये प्रायोरिटी तब मिलेगा जब पोजिशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज सेम फ्रॉम बोथ साइड। क्लियर? यहाँ देखो, क्या हमने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया था? नहीं, रीजन दोनों साइड से पोजीशन सेम नहीं था। आया समझ में? देशांक, वंश, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? अब चलिए, अब नाउ ध्यान से सुनिएगा, फॉर एग्जांपल दिस वन। अब अगर हम इसमें बात करें बेटा, अगर हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें तो देखो, डबल बॉन्ड का पोजिशन, मल्टीपल बॉन्ड का पोजिशन वन और सिक्स, और अगर हम इधर से भी स्टार्ट करें तो भी मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन वन और फाइव। नाउ बेटा, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगा, रेड वन, सॉरी ब्लू के अकॉर्डिंग भी वन और फाइव, और रेड के अकॉर्डिंग भी वन और फाइव, देन प्रायोरिटी किसको मिलेगा, ब्लू वन। रीजन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, किसको प्रायोरिटी मिलेगा, डबल बॉन्ड। क्लियर? बट वही नाम लिखना है, तो छह कार्बन की चेन, एक्स, वन ई, फाइव आई। आया समझ में? नो, ध्यान से देखना, आप क्वेश्चन करा रही हूं। चलिए बच्चा, इस क्वेश्चन का नाम लिखिए, कोशिश करो, बाकी मैं बता रही हूं। कोशिश करो बेटा, बाकी मैं बता रही हूं। चलिए, ए बी सी, ए का आंसर That's good, Vansh. Very good. बच्चा पर एक चीज भूल गया वंश, एक बार फिर चेक कर, बाकी सब ठीक है, बट एक चीज तू भूल गया है।
नहीं बच्चा एक सब्स्टिट्यूएंट भूल गया है। देशांक, यस बच्चा दैट्स गुड। नाउ आए सूर्यांश, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ गए? सब्स्टिट्यूएंट तो लिखोगे ही ना बेटा। हाँ बच्चा चलिए देशांक वेरी गुड, सही आंसर है, बी का बनाओ। यश तुम्हारा आंसर भी आ गया है, सॉरी यश का आंसर नहीं आया अभी तक। दैट्स गुड बच्चा। चलिए तो नंबरिंग स्टार्ट करोगे लेफ्ट हैंड साइड से, वेरी गुड। सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो क्या नाम लिखोगे? सिक्स इथाइल, 4-5 डाइमिथाइल, 9 कार्बन की चेन, नॉन पहले डबल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड, नॉन 1E7I। दैट्स गुड, सबका सही है। चलिए नेक्स्ट बनाओ क्वेश्चन नंबर बी। वंश थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, यह वंश गलत हो गया, थोड़ा सा चेक करो फिर। दैट्स गुड यश। दिशांत वेरी गुड। यश एक चीज भूल गया बेटा, तो एक सब्स्टिट्यूएंट का भूल गया, बाकी ठीक है यश। देशांक तुम्हारा सही है बिल्कुल। सूर्यांश जिसका बी हो जाए सी। हाँ दैट्स गुड, 6-8 डाइमिथाइल, ठीक है बेटा। ना बच्चा ना ध्यान से सुनना, बी में अब क्वेश्चन हम नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे या राइट से, मतलब नीचे से, तो ध्यान से सुनना बेटा। हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नीचे से। रीजन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से करते, तो ध्यान से देखो फिर मल्टीपल बॉन्ड को पोजीशन 3 और यहाँ पर पोजीशन क्या मिलेगा? दिस वन, क्लियर? तो नाउ किसको प्रायोरिटी मिलेगा बेटा? नाउ यहाँ पर क्लियर, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो नाम क्या होगा? 4-ethyl, 6-8 डाइमिथाइल, 10 कार्बन की चेन डेक, बट पहले अगेन किसके बारे में लिखना है? डबल बॉन्ड 7E2I। आया समझ में बेटा सबको? 1 और 2 में, ए और बी में किसी को डाउट है तो पूछो, बाकी बात आगे करेंगे बेटा। दैट्स गुड देशांग, बिल्कुल सही है तुम्हारा आंसर। बेटा सूर्यांश किसका आंसर, ये किसका आंसर है? 4-ethyl, 6-8-dimethyl डेक 2E। ये तूने कहां से नंबरिंग कर दी बच्चा? देख सूर्यांश बेटा ध्यान से सुन, अगर तू यहां से करता है, किस वाले का आंसर है बेटा ये? बेटा ध्यान से देख, तू अगर इधर से करता है तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 3 पे आ रहा है बेटा, इसलिए ये नंबर तो बिल्कुल ही गलत होगा बेटा। देशांक एक बार फिर चेक कर थर्ड का आंसर। वंश सही है, देशांक अब सही है बेटा तुम्हारा। दैट्स गुड यश, ना सबका आंसर सही है। अब ध्यान से देखना बेटा, दोनों साइड से नंबरिंग करने पर मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ रहा है? सेम, देन प्रायोरिटी गो टू डबल बॉन्ड, बस बाकी सब्स्टिट्यूएंट के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो। ये प्रोपाइल है, ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? इथाइल, तो नाम क्या लिखोगे? 5-ethyl,
देन 4-मिथाइल, 4-परीप्रोपाइल, 7 कार्बन की चेन, हेप्ट, 1-ईन, 6-आयन. आया समझ में? 5-मिथाइल, 5-प्रोपाइल. बेटा बच्चा तू अगेन ध्यान से सुनो. हाँ बेटा अनम्यूट कर रही हूँ मैं वंश आपको, एक सेकेंड. हाँ बेटा बोलो वंश. मैम उसमें डबल बॉन्ड पहले आ रहा है ना ट्रिपल बॉन्ड से पिछले वाले बी पार्ट में? हाँ बी पार्ट में. मैम मतलब उस तरफ से वन लिया है मैम, इस तरफ से वन लेते यहाँ जहाँ 8 के नीचे जो है यहाँ से. चल इसी क्वेश्चन को एक सेकंड बेटा मैं इसी क्वेश्चन को फिर बना देती हूँ एंड देन तो अपना डाउट बता. हाँ बेटा बोल अब क्या करूँ बोल. मैम नीचे से 8 वाले के नीचे. यस मैम. यहाँ से तो अगर 1-2 लेता ये बोल रहा है ना. यस मैम. चल बेटा ध्यान से सुनना अब मेरी बात. अगर तू ये लेता बेटा तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की बन रही है? 9. और यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की बन रही है? 10. रूल नंबर 1 सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. ओके मैम. आया समझ में? यस मैम. तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाता है. रीजन इसमें तुम्हारी 9 कार्बन की चेन है और जबकि हमारा पहला रूल क्या था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उसके बाद नंबरिंग. कोई डाउट बेटा? नो मैम. चलिए और कोई डाउट बेटा किसी को? सूर्यांश ध्यान से लिख बेटा. क्लियर? चलिए बेटा अब ध्यान से सुनिएगा इसी का रूल नंबर कितने हो गए थे 3. रूल नंबर 4. इफ कंपाउंड कंटेन टू और 2 तो हम पहले पढ़ चुके हैं. 2 और मोर देन 2 मल्टीपल बॉन्ड देन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड एंड रेस्ट ऑल मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट. क्लियर? नाउ ध्यान से देखना मैंने क्या पढ़ाया है कि अगर कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है देन ध्यान से सुनिएगा रूल क्या रहेगा. सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और बाकी जितने भी मल्टीपल बॉन्ड बचे हैं उनको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट. किस तरह से ट्रीट करोगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट. नाउ ध्यान से सुनना इस पॉइंट को. फॉर एग्जाम्पल आपको ये कंपाउंड दिया जाए. क्लियर? मैंने इसमें 5 मल्टीपल बॉन्ड ले लिए. क्लियर? मैं बता रही हूँ बेटा एक सेकंड ध्यान से सुनना. निशांत तेरा प्रॉब्लम अभी सॉल्व होगा. मैं यही चीज सिखाने की कोशिश कर रही हूँ. नाउ ध्यान से सुनना अगर मान लीजिए मैं तुमको ये कार्बन चेन दिया जाए. क्लियर? और तुमको बोला जाए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो अगर मान लो तुम स्ट्रेट कार्बन की चेन सेलेक्ट करते तो उसमें कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन. और अगर मान लीजिए हम यहां से लेकर कहां पर जाए नीचे की तरफ. क्लियर? तो इसमें कितने मल्टीपल बॉन्ड होंगे? 4 मल्टीपल बॉन्ड. याद रखना पहले प्रायोरिटी देना है मल्टीपल बॉन्ड को मैक्सिमम जितने आ सके और उसके बाद हमने देना है कार्बन चेन को. यानी फॉर एग्जांपल 8 कार्बन की चेन में 3 मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं. ध्यान से सुनना मेरी बात. 8 कार्बन की चेन में 3 मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं और 7 कार्बन की चेन में 4 मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? 7 कार्बन को. यानी पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे? मल्टीपल बॉन्ड को. उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए क्या बनाना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. यानी अब सुनना 8 कार्बन की चेन में 2 मल्टीपल बॉन्ड और 8 कार्बन की चेन में 3 मल्टीपल बॉन्ड. तो अब प्रायोरिटी किसको मिल जाएगा? 8 कार्बन की चेन में 3 मल्टीपल बॉन्ड. आया समझ में निशांक?
क्लियर, सुनो, 8 कार्बन 2 मल्टीपल बॉन्ड, 7 कार्बन 3 मल्टीपल बॉन्ड, प्रायोरिटी गोज टू 7 कार्बन, 8 कार्बन 2 मल्टीपल बॉन्ड, 8 कार्बन 3 मल्टीपल बॉन्ड, प्रायोरिटी गोज टू 8 कार्बन विद 3 मल्टीपल बॉन्ड। आया समझ में? क्लियर। अब ध्यान से सुनना, जो कार्बन चेन इंक्लूड हो गए वो तो ठीक है, अब जो बच गए इसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब बच्चा अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूएंट में, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, एल्काइल इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, यानी हमने सिंगल बॉन्डेड सब्स्टिट्यूएंट की बात की थी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट। तो ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट, उसके लिए हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, एल्कीनाइल, और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम वर्ड लिखाएंगे एल्काइनाइल। ध्यान से सुनना, मैंने कुछ नहीं किया है, पहले मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपको लास्ट टाइम पे मैंने पढ़ाया था इथेन, इथेन में से अगर हमने एक हाइड्रोजन बाहर किया तो इसका नाम हमने क्या लिखा था, इथाइल। क्लियर। सेम चीज ध्यान से देखना, सेम चीज अगर मान लीजिए मैं लिखती हूँ इथीन, 2 कार्बन की चेन, क्या लिखोगी, इथीन। इथीन में से अगर एक हाइड्रोजन बाहर करूंगी तो इसको हम क्या नाम लिखेंगे, इथिनाइल। बिल्कुल वो ही चीज जो मैंने तुम्हें सिखाया था, ध्यान से देखना, ई हटाकर ए एन ई हटाकर हमने क्या लगाया था, वायल। तो सेम चीज यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ई हटाकर क्या लगा रहे हो, वायल। क्लियर। तो सिमिलरली अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इथाइन, तो इथाइन में से अगर एक हाइड्रोजन बाहर करोगे इट इज कॉल्ड एज इथाइन आइल। तो डबल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड लगाओगे, एल्किनाइल, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाओगे, एल्काइनाइल। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए फॉर एग्जाम्पल, आपको ये कंपाउंड दिया जाए। क्लियर। हाँ बेटा, पहले एक बार लिख लीजिए, हुआ यश, हुआ यश, यश बेटा आप ही के लिए रुके हुए हम लोग। यश चलिए ना बेटा, अब ध्यान से सुनना,
अगर हम इसमें बात करें, अगर हम लेफ्ट से नीचे की तरफ है तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन, 3 मल्टीपल बॉन्ड। और अगर मान लीजिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन और 3 मल्टीपल बॉन्ड, तो हम किस कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे? स्ट्रेट। अगर मान लीजिए मैं इधर से नंबरिंग करती हूँ तो ध्यान से देखना मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन कौन सा आ रहा है, 2। और अगर मान लीजिए यही नंबरिंग मैं राइट हैंड साइड से करती हूँ तो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ पे आएगा, 1। तो प्रायोरिटी गोज टू मल्टीपल बॉन्ड 8 और 9। यहां तक क्लियर? चलिए ध्यान से देखना, पहले मैं इस सब्स्टिट्यूएंट को भूल कर बाकी का नाम लिख लू। तो 9 कार्बन की चेन है तो क्या लिखोगी, नॉन, पहले डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, 1 7 डाइईन और 3 आइन। अगेन वही चीज बेटा, ध्यान से देखना, डी से स्टार्ट हो रहा है यानी वॉवल नहीं है, तो हम वर्ड रूट के एंड में कौन सा वर्ड लगाएंगे, नॉन। यहां तक सबको समझ में आया, यस और नो? चलिए ध्यान से देखना बेटा, अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता, 6 पर अगर डबल बॉन्ड नहीं होता बेटा, तो हम इस कंपाउंड का नाम क्या लिखते, 6-ethyl, यस और नो? अब कुछ नहीं करना है बच्चा, चूंकि डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड के लिए हम कौन सा वर्ड लिखते हैं, ई एन। तो जो इथाइल लिख रहे थे बेटा उसके बीच में बस कौन सा वर्ड लिख लो, ई एन, तो क्या नाम हो गया, इथिनाइल। आया समझ में? तो कुछ नहीं करना है बेटा, ये देखो हम एल्काइल लिख रहे थे ना, उसके बीच में क्या लिखना है, ई एन, तो एल्किनाइल बन गया। ये जो हम एल्काइल लिख रहे थे उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दो, वाई एन, तो क्या बन जाएगा, एल्कानाइल। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 6-ethyl नोना 6-ethyl nona 17-diene-3-ine। आया समझ में? चलिए एक एग्जांपल और ध्यान से देखिएगा, क्लियर ना? सेम चीज, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, स्ट्रेट किया, उसके बाद वही नंबरिंग, मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट पोजीशन, क्लियर? नाउ ध्यान से देखना, अब हमने जो नंबरिंग करना है बेटा, तो सबसे पहले 2 पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे, 2-methyl। अब ध्यान से सुनना बेटा, या चलिए पहले मैं पूरे कंपाउंड का नाम लिख लेती हूँ, 10 कार्बन की चेन, डेक, 1-3-diene-6-8-diene, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, डेका, क्लियर? अब हमारे लिए बचा सब्स्टिट्यूएंट नंबर 5 पर, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होता तो मैं इस कंपाउंड का नाम क्या लिखती, 5-propyl, क्लियर, यस और नो? इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम क्या लिखते हैं, 5-propyl। नाउ आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब सिखाया था बेटा, मान लो अगर मैं यहां पर एक मिथाइल बना देती तो हम इस कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे करते, इसको हम लिखते 1-, इसको लिखते 2-, इसको लिखते 3-, क्लियर? अब इस कॉम्प्लेक्स का नाम हम क्या लिख रहे थे, 2-methylpropyl, आया ना, ये हम आपको सिखाया। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या करा है, सिर्फ यही तो क्या है, इसको हटाया और यहां पर क्या बना दिया मैंने, डबल बॉन्ड, क्लियर? तो बस अब ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड ऐड करना था, ई एन, और अगेन पोजीशन मेंशन करना है, तो इसका नाम क्या होगा, 5-prop-2-enyl, क्या नाम होगा, 5-prop-2-enyl-deca-1-3-diene-6-8-diene। आया समझ में बेटा, कुछ नहीं करना, वही 1-2-3-, एंड डबल बॉन्ड की पोजीशन को फिर क्या करना है, मेंशन। चलिए फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। क्लियर? एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाया ताकि आपको लिखने में क्या हो जाएगा, सब समझ में आएगा ना, कैसे लिखना है, क्या करना है, क्लियर? एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, वही नंबरिंग,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, बिल्कुल ध्यान से देखना। नाउ 12 कार्बन की चेन, क्लियर? 12 कार्बन। नाउ सब्स्टिट्यूएंट को भूल कर मैं बाकी नाम पूरा लिख रही हूं। पहले 12 कार्बन है तो क्या लिखोगे? डोडेक। कहां कहां पे डबल बॉन्ड है? वन थ्री एट, वन थ्री एट ट्राइन इलेवन आइन, और चूंकि आपका वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है इसलिए हम इसका नाम क्या लिखेंगे? डोडेका। यहां तक क्लियर? चलिए अब आ जाइए सब्स्टिट्यूएंट का नाम। नाउ ध्यान से देखना, मैं सब्स्टिट्यूएंट के नाम अलग से लिख रही हूँ। सबसे पहले देखो फोर पर इथाइल, किसी को डाउट? नेक्स्ट नाइन और टेन पर दो मिथाइल है तो क्या लिखोगे? डाइमिथाइल। नाउ सेवन पर अगर हम बात करें तो इथा और आयन, और अब हम क्या लिखेंगे? ई एन। क्यू ई एन लिखोगे? क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। नाउ सिक्स पर अगर हम बात करें तो वही ईथ वाई एल। अब चूंकि बिना ध्यान से देखना यहाँ पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे? वाई एन। तो नाम क्या होगा? इथाइन आयन, क्लियर? और अब आ जाओ तुम्हारा प्रोफाइल, तो ये वन डैश टू डैश थ्री डैश, तो बेटा जो आपका फाइव पर है उसके लिए हम क्या लिखेंगे? प्रॉप। वन पर डबल बॉन्ड है तो वन डैश ई एन वाई एल, क्लियर? ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम। इस नाम सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम में किसी को डाउट कि कैसे लिखा सब्स्टिट्यूएंट? नाउ ध्यान से देखना, सिक्स पर अगेन ट्रिपल बॉन्ड है तो मैंने क्या लगाया? वाई एल। सेवन पर डबल बॉन्ड है तो क्या लगाया? ई एन। और फाइव पर वन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है तो मैंने क्या लिखा? वन डैश ई एन। कोई डाउट बेटा किसी को सब्स्टिट्यूएंट के नाम में? नो? चलिए लिखना किस ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल। ध्यान से देखना, इसका पहला अल्फाबेट ई, इसका पहला अल्फाबेट एम, इसका पहला अल्फाबेट ई, इसका भी ई और इसका पी। तो सबसे पहले किसको लिखोगे? ई। अब आ जाओ फोर सेवन और सिक्स में बात करें, फर्स्ट अल्फाबेट सेम हो गया, देन बेटा गो फॉर सेकेंड। इसमें भी टी एच, इसमें भी टी एच, इसमें भी टी एच, यानी तीन तक दोनों में सेम हो गए। देन नेक्स्ट ध्यान से देखना, यहाँ पर वाई, यहाँ पर ई और यहाँ पर वाई, तो अगेन पहले किसको लिखोगे? ई को। तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखेंगे? सेवन इथिनाइल। आया समझ में? अब ध्यान से देखो, इसमें वाई भी सेम हो गया, देन नेक्स्ट वर्ड कौन सा जाएगा? एल। और इसमें नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा जाएगा? एन। तो L और N पहले कौन सा आएगा बोलो? L, तो पहले क्या लिखोगे? इथाइल। तो फोर इथाइल सिक्स इथाइन आइल, अब मिथाइल के बारे में नाइन टेन डाइमिथाइल फाइव प्रॉप वन डैश इनाइल डोडेका वन थ्री एट ट्राई इन इलेवन आइन। किसी को डाउट एक बार फिर देख लो बच्चा, जब डाउट हो तो पूछो, उसके बाद मैं आगे बात करती हूँ। क्लियर? कुछ नहीं करना है, लिखना हमेशा किस ऑर्डर में है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लिखना किस ऑर्डर में है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर? लिखना किस ऑर्डर में है? अल्फाबेटिकल। आया समझ में? किसी को डाउट? वंश, यश, देशांग, सूर्यांश, कोई डाउट? क्लियर? बेटा किस वाले में बोलो?